कल मैं दोपहर को इंस्टाग्राम चला रहा था, फिर मेरे सामने ये आता है प्रभास का पोस्ट, जहाँ देखो इसमें शुरू होता है, हम बोल रहे हैं चलो टी सीरीज़ का लोगो आ रहा है, ठीक है शुरू हो रहा है, कुछ नया चेंजेस किए होंगे उन्होंने आदि पुरुष के जो है मोशन पोस्टर कहें, फिर ये क्या छोटा सा टीज़र कहें, क्या कहें इसमें, पोस्टर का टीज़र ही कहा जा सकता है, जहाँ प्रभास का लुक रिवील होता है। भाई मैं बोला चलो ठीक है कुछ चेंज किए लग रहा है, वही सेम मूछ वाला बोल्ड मतलब बॉडी वाला। फिर आता है कृति चरण का ये लुक, भाई साहब इसको पहली बार जब देखा तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे एकदम से ही मुझे याद आता है तानाजी में छत्रपति शिवाजी महाराज के मातोश्री जीजाबाई जी का लुक। पता नहीं क्यों मुझे अचानक से ऐसा लगता है दोनों के लुक में सिमिलैरिटी लगता है। पता नहीं आप देखो यहाँ जो कृति सनन का जो साड़ी है उसमें देखो भाई वाइट कलर का साड़ी टाइप का दिया गया है। भाई वो विधवा है क्या? सबसे बड़ी जो है सती है, सबसे बड़ी वो जो है पतिव्रत धर्म का एक प्रमाण है, एक उदाहरण के रूप में हम माता सीता को पूजते हैं, हम उन्हें जानते हैं, लेकिन उन पर साड़ी का लुक भाई वो बूढ़ी टाइप के लुक एक कौन सा दिया हुआ है? शॉल ओढ़ाया गया है भाई, सतयुग की बात है, त्रेता युग की बात है, उस समय द्वापर युग की बात है, इस समय की बातों में आप कहाँ कलयुग टाइप के जोड़ रहे हो? अरे ये कौन सा बूढ़ी टाइप का लुक दिया गया है इसमें? कोई सा भी लग रहा है, फगवा कलर का जो शॉल है उसी कलर को उनको साड़ी देना चाहिए। देखो एक साइड रखो कृति सनन के लुक को, एक साइड रखो हमारे रामायण की माता सीता के लुक को, देखो कोई कंपैरिजन है भाई? आप ही बताओ कोई कंपैरिजन है, कोई तुलना किया जा सकता है? अगर आप रामानंद सागर जी के रामायण की माता सीता को और कृति सनन के लुक को उठा के देख ले, कोई तुलना है भाई? अपने आप में मजाक करने वाली बात, अपने आप में मूर्खतापूर्ण बात है कि दोनों को कंपेयर किया जा रहा है और ये लुक को देख रहे हो भाई। और उसके बाद आता है ग्रैंड लुक हमारी एकता कपूर की टीवी सीरियल, ये देखो भाई आंसू बहाती हुई, लेकिन मुख में कोई तेज ही नहीं है, कोई भावना ही नहीं हुई, ओवर एक्टिंग दिख रही है। और यह राम सिया राम का म्यूजिक लगा के हमें जो है अपने हृदय के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हमें तो जो है राम सेतु की तरह खिलवाड़ किया जाएगा। क्यों? क्योंकि एंडिंग में कुछ अच्छा दे दो, भगवान राम का नाम ले दो, सब मूर्ख हम तो देखने चले ही जाएंगे ना भाई। चलो आदि पुरुष ने सैफ अली खान से तो कोई एक्सपेक्टेशन किया जाए, जैसे वो तो सनातन कह रहे जानते नहीं, ओम राउत को क्या ही कहे अब, और सनी सिंह से क्या कहे, लक्ष्मण है या फिर वो क्या है पता नहीं उनका। तो प्रभास का लुक जैसे तैसे झेला जा सकता है, चलो भाई मूछ है बियर्ड है इतना सारा बॉडी है, जबकि श्री रामचंद्र जी के लुक के बारे में हमने वीडियो बना चुका है, आप जाके देख सकते हैं कि श्री राम असल में कैसे थे, ना कि वो AI वाले जो बनाए हैं वैसे बिल्कुल नहीं थे। तो देखिए तो प्रभास का लुक भी झेला जा सकता है बाकी सब, लेकिन माता सीता का जो ये कैरेक्टर रिवील वाला वीडियो आ रहा है सच में है, मुझे तारा जी में मातोश्री जीजाबाई के जो लुक है उससे जो है इंस्पायर लग रहा है। मतलब सोच सकते भाई आप ताना जी की मूवी की ही बात कर लो, जहाँ आप काजोल का लुक देख सकते हो, यहाँ पे एक हिंदू नारी के रूप में, एक जो है सामान्य हिंदू नारी के रूप में उनको दिखाया गया, तो भी जो कितना भी गुना आप तुलना करके देख लो कृति सनन के लुक से कितना अच्छा दिख रहा है भाई। ये लुक होता है यार एक पतिव्रत का, एक इटर्नल ब्यूटी का, एक माता पतिव्रता जो के उदाहरण है उनका लुक ऐसा होगा? आप कंपेयर करके आप मैं तो एक बार को सोचिए, आपको जो है माता सीता का कैरेक्टर आर्ट डिज़ाइन करने को मिलेगा, आप ऐसे करोगे? उनके साड़ी कलर को देख रहे हो किसी भाई, ऐसे जो है ऐसे ड्रेसिंग सेंस हमारे यहाँ की बूढ़ी माताओं का किया जाता है, ना कि वो कोमल नयन यौवन मतलब चीर युवा टाइप के जो है, चीर युवा जिसे कहा जाता है, इटर्नल ब्यूटी जो है श्री राम और माता सीता ये जो दोनों मिल के होते हैं, जो कभी उनका उम्र कभी बढ़ता ही नहीं है, तो इस प्रकार से जो है आप उनको ड्रेसिंग इस प्रकार से दोगे। और यहाँ देखो टीवी सीरियल्स एकता कपूर वाले जो है उनकी आंखों से आंसू गिरते हुए मोशन पोस्टर, तो देख रहे हो भाई साहब मतलब इनमें जो है बॉलीवुड के जो आजकल के जो अपने आप को डाइटिशियन बोलते हैं, जो फिटनेस का मॉडल बोलते हैं, इनमें वो तेज कभी आता ही नहीं, देख रहे हो अलग से दिख रही है, कहीं से भी वो तेज वो भावना आ ही नहीं रहा है। इतने सब कुछ जानने के बावजूद भी, इतने सब कुछ देखने के बावजूद भी, अगर सच में आदि पुरुष फिल्म को हम देखने जाते हैं तो अपने आप में अपने आप को ही सजा देना होगा भाई, सनातन का अपमान करना ही होगा। क्यों? क्योंकि देखो भाई मूवी अगर कोई भी गलत भी बना देता है उस पर हमारी छवि जो है वैसी बन जाती है, जैसे सम्राट पृथ्वीराज बना दिया अक्षय कुमार ने, तो सम्राट पृथ्वीराज का हम सोचेंगे तो छवि वैसी बनेगी, पानीपत में हम सदाशिवराव भाव के बारे में सोचेंगे तो वैसी बनेगी, भले वो अर्जुन कपूर जैसे चूतिया ही क्यों ना हो। तो ये जो है मूवी बना नहीं रहे हैं, हमारे जो ऐतिहासिक छवि उसको बिगाड़ रहे हैं। तो रामायण पर इतनी सारी फिल्म है, इतने सारे पुस्तकें हैं, तो क्या इसको बनाने क्या आवश्यकता थी? यही है कि लोगों के मन में, नया पीढ़ी के युवा के मन में, युवा पीढ़ी के मन में जो है रामायण की गलत छवि को प्रदर्शित करना है। जहाँ हमने एक वीडियो इसमें भी बनाया था कि अमीश द्वारा कैसे श्री रामचंद्र जी पर, माता सीता पर और सुहेल महाराज सुहेल देव पर एकदम फर्जी बुक लिखा गया है, जिसके बारे में आप देख सकते हैं जाके। तो इतना सारा गंदगी फैलाया जा रहा है समाज में, और ये इसका कारण यही है। रामायण पर क्या पुस्तक नहीं है, रामायण पर क्या टीवी सीरीज नहीं है, लेकिन रामायण पर जो नई छवि है उसको नए पीढ़ी के सामने ऐसी पेश किया जाता है ताकि भगवान श्री रामचंद्र पर हम सवाल उठाएं, माता सीता पर हम सवाल उठाएं, रामायण पर ही हम सवाल उठाएं। तो इसी प्रकार से इनका उद्देश्य रहा है। ओम राउत कितना भी डिफेंड कर ले, प्रभास कितना भी डिफेंड,
कर ले या फिर मनोज मुंतशिर अपने आप को शुक्ला ही क्यों ना लगा ले, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि सनातन के विरोध में अगर कुछ काम करोगे तो उसका विरोध किया ही जाएगा। तो मेरा तो यही कहना है कि कभी भी ये फिल्म को कितना भी कर लो भाई, इनके मंशा ही नहीं है कभी रामायण को अच्छे तरह से प्रदर्शित करने का, वो तो पहले दिन के टीजर से पता चल गया था। तो आपको इसका क्या कहना है, कौन कुछ जो बताएगा। जय श्री राम, हरा राम।